सो फॉर एग्जाम्पल देखो, रोल ओवर रिलीफ जो है ना वो इंडिविजुअल को भी मिलता है, और रोल ओवर रिलीफ जो है वो कॉरपोरेशन को भी मिलता है। यानी कि इंडिविजुअल का सीजीटी में भी आएगा और कॉरपोरेशन की सीजीटी में भी आएगा, दोनों में आएगा। ये वाहिद एक ऐसा रिलीफ है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी जो अदर रिलीफ हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो रोल ओवर रिलीफ बेसिकली होता क्या है कि आपका जो गेन होगा ना, जो आपने डिस्पोजल के वक्त जनरेट किया होगा, वो गेन फॉर द टाइम बिंग क्या हो जाएगा, डेफर हो जाएगा। इसका मतलब वो कि पहले डिस्पोजल के वक्त जो गेन आया होगा, मैं उसको चाहूँ तो क्या करवा सकता हूँ, फॉर द टाइम बिंग डेफर करवा सकता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी कंडीशन है जो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी कि मुझे ये डेफरल वाला ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोसीड जनरेट की है ना पहले एसेट को बेच के, उस प्रोसीड को आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोसीड को री इन्वेस्ट कर देते हो ना किसी क्वालिफाइंग एसेट के अंदर, तो आपको रोल ओवर रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ जी, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे मिलता है। तो देखें फॉर एग्जांपल, एक एसेट था हमारे पास, उसकी सेलिंग प्राइस थी 200,000 और वो हमने परचेज़ किया था, उसकी परचेज प्राइस थी 1 लाख, पूरा 1 लाख। ठीक है, कितना गेन आया, गेन आ गया 1 लाख। ठीक एक है, लाख का अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो सेल प्रोसीड थी ना इससे एक नया एसेट परचेज कर लिया। कम से कम एसेट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट कम से दो कम होनी लाख चाहिए 2 लाख। मैंने 2,50,000 का खरीद लिया, तो क्योंकि मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट प्राइस री इन्वेस्ट कर दी ना 2 लाख उठा के, तो अब इस गेन को मैं आज टैक्स नहीं दूंगा, ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर आरओआर क्लेम कर लूंगा। तो मैंने पूरा 1 लाख आरओआर क्लेम करके कहा, भाई ये तो इस दफा कोई गेन और लॉस जनरेट नहीं हुआ। अच्छा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि माफ हो गया, सही है जी? तो इसका ये मतलब तो नहीं है माफ हो गया, माफ तो नहीं हुआ ना। तो अब जब आप अगला एसेट बेचोगे सही ना, कौन सा वाला, नया जी, एसेट जब बेचोगे, तो आपको उसके ऊपर पिछले के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और अगले के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, सही है? तो वो हम कैसे निकालेंगे? केस मतलब कि अगर ये जो है गेन जो है अगर वो मोर देन 1 लाख से अगर जो है वो होता, ज्यादा होता, तो ये हमारा आरओआर भी फिर जो है उतना ही होता फिर। अभी वो बात तो बाद में करेंगे ना, अभी अभी तो सिंपल समझ लो। जो सिंपल है, सिंपल क्या है कि पूरा री इन्वेस्ट हुआ और आपने जो नया एसेट था उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दी, और ये बन गई आपकी बेस कॉस्ट। ये काम करना है अगर आपको फुल री इन्वेस्टमेंट हो गई है तो। यानी कि एक एसेट आपने बेचा, उसके ऊपर आरओआर क्लेम किया, नया एसेट खरीदा, नए एसेट की कॉस्ट में से वो आरओआर माइनस किया और बेस कॉस्ट निकाल दिया। ये बेस कॉस्ट कब काम आएगी, जब इस दूसरे एसेट को बेचूंगा ना मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी एग्जाम्पल में इस एसेट को बेच दिया कुछ साल बाद, तो सेल प्रोसीड आई से सपोज 3,50,000। कॉस्ट क्या लूं, 2,50,000 या 1,50,000? सर ये बेस कॉस्ट ना बेस वन कॉस्ट, फिफ्टी टाउन ठीक है। तो गेन कितना हुआ, 200 इस गेन में पिछला गेन शामिल है क्या? नहीं यस शामिल है। बेस कॉस्ट की वजह से जो पिछला गेन रोल ओवर हुआ था ना, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा अब, और इस वाले के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रोल ओवर मिलता कैसे है।
बेस कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, फिर आप इसकी इंजीनियरिंग में घुसें आगे कि क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या होती हैं, टाइम क्या होता है, पार्शल री इन्वेस्टमेंट का चक्कर क्या होता है, डेप्रिशिएटिंग एसेट का चक्कर क्या होता है, फिर वो उसकी साइंस है आगे ना, बेसिक बेसिक तो पता होना चाहिए ना। किस्मत अच्छी हुई पता लगा बेसिक पे 2 नंबर का सवाल आ गया। ठीक है, हाँ जी, दूसरी पार्टी जिसने हमें ज्वाइन किया है, कोई स्पेसिफिक मसला तो बताएं भाई पेपर में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, पार्शल वाली एग्जाम्पल पे चलूं। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि आप पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, जो भी आपकी सेल प्रोसीड आती है उसका आप कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, आपने एक एसेट बेचा 1 लाख का, वो खरीदा था सपोज कर लें 40,000 का, कितना गेन हुआ? कितना गेन हुआ? 60,000। ये गेन आपका रखा हुआ 60,000। ठीक है, आपने री इन्वेस्ट कर दिया 90,000। कितना? क्या फुल रोल ओवर मिलेगा? हाँ जी, यस और नो? जी सर, फुल रोल ओवर मिलेगा? चेक करो ना भाई, सेल प्रोसीड कितनी है और नए एसेट की कॉस्ट कितनी है। सेल प्रोसीड है 1 लाख, क्या नए एसेट की कॉस्ट 1 लाख से ज्यादा है? 1 लाख है, कितनी है? पार्शल री इन्वेस्टमेंट है, फुल री इन्वेस्टमेंट है? 90,000 है सर। फुल है पार्शल है, ये बताओ। फुल है। फुल कहाँ से हो गई भाई, फुल का तो मतलब नहीं समझे। पार्शल सर। पार्शल है ना भाई, सर इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू एसेट है ना। एक लाख आपकी जेब में आया, आपने उठा के 90,000 का एसेट खरीद लिया, 10,000 कहाँ गए? नहीं लगाए ना आपने, तो टैक्स वाले कहते हैं वो 10,000 के ऊपर आप टैक्स देंगे इमीडिएटली। तो आपने दोबारा कैलकुलेशन की, एसेट कितने का बिका था? 1 लाख। कॉस्ट कितनी थी? 40,000। कितना गेन आया? कितना आया गेन? 60,000। कितना गेन रोल ओवर नहीं हो सकता वो नीचे लिख दो, कितना गेन रोल ओवर नहीं हो सकता जितना आपने इन्वेस्ट नहीं किया? 10,000, विच इज द डिफरेंस बिटवीन 100,000 एंड 90,000। तो बाकी कहाँ गया? 50,000। बाकी कहाँ गया? आर ओ आर आ गया ना सर। बाकी ROR में चला गया। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना, सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, नया एसेट कितने का खरीदा था? 90,000 का। बेस कॉस्ट क्या होगी? न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है? 90,000। क्या माइनस करूं बेस कॉस्ट निकालने के लिए? आर ओ आर कितना था? 50। 50,000। 50, बाकी कितना बचा? 40,000। ये आ गई बेस कॉस्ट। इतना तो करके जाओ यार, कम से कम इतना तो करके जाओ। सही है, मुश्किल नहीं है ये, तो काफी आसान है। गिफ्ट रिलीफ मुश्किल है। आगे बढ़े जी, बाकी लोग बताएं जी क्या इश्यूज हैं। ये मैंने इश्यूज के लिए क्लास रखी है ना, इश्यूज हैं तो क्लास में आप बोलते जाएं, मसाइल बताते जाएं, तो उनको हल करते जाएं। बोले जी, एनी और मसला, एनी अदर मसला? फिर मैं आखिर में आपको कुछ टिप्स दूंगा कि पेपर में आपको क्या करना चाहिए।
हाँ जी, कोई सवाल नहीं है? लगेंगे कुछ कंफर्म पता है। लगेंगे, देखें लगेंगे तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या लगेगा, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो पेपर है उस पेपर में देखें जो सेक्शन ए है उसमें तो कुछ भी आ सकता है ना। सेक्शन ए में एग्जामिनर क्या पूछेगा, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो टफ एरियाज है ना उस पे एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज, डेट्स, ये सारी चीज़ें, पेनल्टीज वगैरह, इसको आप जहन में रखें। यहाँ पर आप एनआईसी के एमसीक्यूज को जहन में रखें, यहाँ पेंशन के एमसीक्यूज को जहन में रखें, या आप लॉसेस के एमसीक्यूज को जहन में रखें, या आप ग्रुप के एमसीक्यूज को जहन में रखें, या आप सीजीटी के रिलीफ को जहन में रखें, या आप वीएटी का स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाला इशू जहन में रखें, और आईएचटी के अंदर जो है वो आईएचटी का सीएलटी भी हो सकता है, आईएचटी की डेथ स्टेट का भी सवाल हो सकता है। ये तो ए के अंदर नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मली इनमें से ए बन सकता है। अच्छा, बी की बात की जाए अगर, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं F6 में पेपर फिक्स्ड होता है ना। बी में जो लाइकली तीन टॉपिक्स हैं, एक सवाल सीजीटी के ऊपर 10 नंबर का, दूसरा सवाल आईएचटी के ऊपर 10 नंबर का, तीसरा सवाल आपका ला भला करे वीएटी के ऊपर 10 नंबर का सवाल। अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या पूछेगा वो तो आपको पता, उसकी मर्जी है। आईएचटी के अंदर वो लाइफ टाइम प्लस डेथ स्टेट कंबाइन क्वेश्चन, छोटा सा सवाल ना, लाइफ टाइम गिफ्ट भी दिया हुआ है, डेथ स्टेट भी दी हुई है। वीएटी के अंदर मोस्टली थ्योरी, मोस्टली थ्योरी। सीजीटी के अंदर रिलीफ, शेयर्स, फिर हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इनकम टैक्स 15 नंबर का क्या आएगा, मिक्स क्वेश्चन, किसी सिंगल टॉपिक पे नहीं, मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन बोले तो एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें दी हुई होंगी उसमें। एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, पेंशन, एनआईसी, इस तरह का एक मिक्स सवाल, ये मेरी प्रिडिक्शन है। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन में एग्जामिनर आपसे प्रॉफिट का सवाल भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे लॉस का सवाल भी पूछ सकता है, वही सेम वर्किंग, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, या लॉस, इसमें कैपिटल अलाउंसेस भी होंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसके अंदर सीजीटी भी हो सकता है, और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है। एक एक दो दो नंबर की चीज़ें इसके अंदर एग्जामिनर एक कॉम्प्रिहेंसिव मिक्स क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्या बचा, अब आपके बच पास बचा तीसरा सवाल, ये है गैम्बलिंग, क्या पूछेगा एग्जामिनर। तो या तो एग्जामिनर पार्टनरशिप में से कुछ पूछ लेगा, या एग्जामिनर किसके ऊपर जाएगा, बेसिस पीरियड के ऊपर जाएगा, पीरियड ये मुझे लगता है जो सेपरेट सवाल एग्जामिनर के पास पड़ा हुआ है। और अगर कोई बुराई आनी हुई ना, तो एग्जामिनर पूरा 10 नंबर का सवाल किसको बना देगा, सर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना मुश्किल थोड़ी है। यार वो पीओए वगैरह ना, इंस्टॉलमेंट पीओए निकालो, फिर पीओए टू निकालो, फिर लास्ट पेमेंट निकालो, फाइनल बैलेंसिंग पेमेंट, हाँ मुश्किल ये नहीं है, लेकिन पूछता उसमें डेट्स वगैरह, उसकी पेनल्टीज, ये काफ़ी टेक्निकल है, याद नहीं रहती स्टूडेंट्स को।
अब आप पेपर स्टार्ट कैसे करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ खत्म करोगे, आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप अपना पेपर सबसे पहले सेक्शन ए को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है जी। सेक्शन ए में आपके पास जो 15 MCQs या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, आप उन 15 क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना वन बाय वन, ना क्या आया, एग्जामिनर ने क्या पूछा। उसमें थ्योरी के सवाल भी होंगे, उसमें न्यूमेरिकल के सवाल भी होंगे, बस आप ये टिक टिक करते जाएं, जो आपको आता है पहले करते जाएं। कोशिश करें कि इनिशियल आधा घंटा आप 15 MCQs पे स्पेंड करें। मेरी आवाज़ आपको आ रही? इनिशियल 30 मिनट्स जो हैं आप लगा दें इसके ऊपर, पैसा बचे 2.5 घंटे। उस इनिशियल 30 मिनट्स में 5, 6, 7, 8 सवाल सही हो सकते हैं आउट ऑफ 50, और वो आपको एक बूस्ट देगा कि यार मेरे 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स मेरे गारंटी किए हुए हैं, ये मेरे पास आ गए हैं, तो अल्टीमेटली अब हम नाउ आई एम सेटिस्फाइड। सही है जी? अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे ना उसको आप फ्लैग कर दें, उसको ट्राई ना करें, छोड़ दें, आखिर के लिए छोड़ दें, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो समझ ही नहीं आ रहे, टाइम ज़ाया ना करें। जैसे कोई सवाल आ गया, मसलन फॉर एग्जांपल टर्मिनल लॉस पे कोई सवाल आ गया, अब टर्मिनल लॉस बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना, तो आप ऐसा करें टर्मिनल लॉस को फ्लैग कर दें, बाद में देखेंगे टर्मिनल लॉस, अभी छेड़े ना टर्मिनल लॉस को जो आपको आते हैं। सही है? आगे बढ़े। बढ़े सर। अच्छा जी, फिर आते हैं हम सेक्शन बी पे। अब मैंने एज्यूम कर लिया एक आइडियल सिचुएशन में, एक आइडियल सिचुएशन में मैंने एज्यूम कर लिया कि एक आइडियल सिचुएशन है, तो उसमें एक सेकेंड रुके। हाँ जी, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में अब आप पहुंच गए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 5 MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 MCQs, क्वेश्चन नंबर 3, 5 MCQs। चेक करें कौन कौन से टॉपिक्स आए, चेक करें कौन सा टॉपिक, चेक करें वही टॉपिक आए जो हमने पहले प्रिडिक्ट किए हैं। यहाँ पर ऐसा ही है, CGT पे एक सवाल आ गया 10 नंबर का, IHT पे सवाल आ गया, VAT पे सवाल आ गया। अगर ऐसा ही है तो आप आइडेंटिफाई करो इजी क्वेश्चन कौन सा। ऑब्वियसली जो टॉपिक आपको कोई बहुत अच्छा आता होगा वही इजी लगेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा IHT बहुत अच्छा है, गो फॉर IHT। VAT अच्छा है, VAT ट्राई कर लो। CGT नहीं आता, CGT छोड़ दो। तो जो उसमें से एक सवाल, कम से कम एक सवाल पूरा, कम से कम, तो लाजमी ट्राई करना है। कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप तीनों सवाल भी कर सकते हो, दोनों सवाल भी कर सकते हो। फिर आपने सेक्शन बी में से कुछ पार्ट कर ली। अच्छा, एक सवाल में हो सकता है 3 पार्ट आ रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरा सवाल ट्राई करो, 2 पार्ट आसान हो वो कर लो, तीसरा सवाल ट्राई करो, 2 पार्ट कर लो। तो कुछ पार्ट करके सेक्शन बी लेफ्ट कर दो, उसके बाद आ जाए आप सेक्शन सी पे। और सेक्शन सी में कंपैरेटिवली ना कॉरपोरेशन का सवाल रीजनेबल होता है। गो फॉर क्वेश्चन, चेक किस किस टॉपिक पे सवाल आए। अगर इनकम टैक्स पूछा तो क्या क्या पूछा उसने, कैसा सवाल है, आसान सवाल है, मुश्किल सवाल है। अगर उसने कॉरपोरेशन पूछा, क्या टिपिकल सवाल है जो किट के अंदर था, एड बैक करने वाला, वैसे ही सवाल है। तीसरे सवाल में क्या आया, क्या तीसरा सवाल आसान है, मुश्किल है या बहुत मुश्किल है, ये इवेल्यूएट करने के बाद नाउ डिसाइड कि आपको कौन सा सवाल करना है। मसलन मैंने ऑप्ट किया मैं ये सवाल ट्राई करूँगा, कितने नंबर का सवाल है। अब आपको ये जहन बनाना है कि ये सवाल मुझे 30 मिनट्स के अंदर अंदर कर लेना, इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो लीव दैट क्वेश्चन, छोड़ दें उस सवाल को, आगे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। फिर आप एक सवाल और ट्राई करें। अब आपने कहा मैं ये सवाल ट्राई कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सवाल ट्राई कर लेता हूँ, अगेन 15 मार्क्स क्वेश्चन, कितना टाइम अवेलेबल है,
30 मिनट्स, ये आइडियल टाइम बता रहा हूँ। कुछ कर लिया, कुछ नहीं आ रहा, लीव दैट। अच्छा ये कर लिया, कितना टाइम लग चुका होगा सर? बाय द वे आधा घंटा सेक्शन ए में, आधा घंटा या 45 मिनट लग चुके होंगे सेक्शन बी के अंदर, और तकरीबन एक घंटा, तो आप पौने 2 घंटे या 2 घंटे अपने पेपर के स्पेंड कर चुके होंगे। और अगर आपने सही काम कर लिया तो आप 35, 36, 37, 38, 40 के मार्क्स के पास पहुंच चुके होंगे अगर आपने सही काम कर लिया। आप कितना मार्क्स चाहिए पेपर पास करने के लिए? रिमेनिंग सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, एक घंटा पढ़ा हुआ है, चिल करो। और अब ये देखो कि कहाँ जंप करूँ, सेक्शन ए पे जाऊँ? कितने MCQs बाकी हैं? 2-3 MCQs बाकी हैं। सेक्शन बी में क्या 2 सवाल पड़े हुए हैं या 1 सवाल पड़ा हुआ है? सेक्शन सी में क्या पड़ा हुआ है? उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, जंप करो ए पे या बी पे, और फिर पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए कोशिश करो। जो ईजी लग रहा है उस पर पहले जाओ, और फिर कोशिश करो कि हर चीज़ टच हो जाए, बहुत ज़्यादा पेपर छोड़ना नहीं है। ट्राई टू कम्प्लीट 100 मार्क्स, चाहे गलत करो लेकिन ट्राई टू कम्प्लीट 100 मार्क्स। MCQs जो आपके पास हैं सेक्शन ए में सेक्शन बी में, नहीं आता तो कम मार के आ जाओ, छोड़ के नहीं आना। और सेक्शन सी में पूरा 10 नंबर का सवाल छोड़ के नहीं आना, अटेम्प्ट जरूर करना है। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको एग्जाम में फायदा देकर जा सकता है। जी अब बताएं और कोई सवाल? अच्छा सेक्शन सी में क्योंकि हमें एक्सेल इस्तेमाल करना है, हमारा तो कैलकुलेशन है ज़्यादातर, तो ट्रैप में ना एक्सेल पे, बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, बहुत मैं सजा के बनाऊंगा एक्सेल, कोई मसला नहीं, बस आपकी वर्किंग एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए, दैट्स इनफ। कोई ज़्यादा जो है उस पर फनकारी करने की ज़रूरत नहीं है, नक्शो नगार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग डालनी, ये करनी, वो करनी, इसमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। सीएलटी की कैलकुलेशन करते हैं तो एनआरबी में लुक बैक की कोई टाइम लिमिट नहीं है? एनआरबी में जब डेथ स्टेट की बात कर रहे हैं, लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं? डेथ स्टेट की, डेथ स्टेट की ना, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ना, एनआरबी का चक्कर क्लियर कर देता हूं। देखिए जी, आईएचटी के अंदर आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है लाइफ टाइम गिफ्ट और एक होता है डेथ स्टेट। अगर हम डेथ स्टेट की बात करें ना, तो डेथ स्टेट में 2 तरह के एनआरबी होते हैं, एक नॉर्मल एनआरबी होता है और एक आर एनआरबी होता है। आर एनआरबी में 9-7 ईयर रूल, ठीक है, इसमें तो इस्तेमाल नहीं होगा 7 ईयर रूल। एनआरबी में लुक बैक 7 ईयर देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? लुक बैक फ्रॉम डेट ऑफ डेथ, सही है, यहां से देखेंगे। और क्या कंसीडर करेंगे? सीएलटी, और वो पेट कंसीडर करेंगे जो टैक्सेबल होगा, सही है। अगर एक पेट जो है वो 7 साल के अंदर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल होगा नहीं, तो जो पेट होगा वो टैक्सेबल ही होगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा अब यहां आ जाते हैं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के अंदर एक एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टैक्स लगता है जिस वक्त गिफ्ट किया, और एक डेथ के वक्त लगता है। कंडीशन में डिस्कस नहीं कर रहा, कंडीशन आप लोगों को पता है कंडीशन क्या होती है। यहां पर भी एनआरबी का चक्कर आएगा, यहां पर भी एनआरबी का चक्कर आएगा, दोनों में लुक बैक 7 ईयर्स, कहां से? कॉमन डेथ से, लुक बैक 7 ईयर्स डेट ऑफ ट्रांसफर से, नॉट डेट ऑफ डेथ, ट्रांसफर से 7 साल पीछे। क्या कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? हर सीएलटी कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ वो पैट कंसिडर किया जाएगा जो टैक्सेबल। ये आसान सा तरीका है, ये याद कर लें। पीछे पैट लेना है नहीं लेना? पीछे पेट वो लेंगे जो पेट चार्जेबल होगा। जो पेट चार्जेबल नहीं हो रहा, 7 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है, तो उस पेट को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर ये कॉन्सेप्ट एनआरबी का?
जी सर। हाँ जी, और बोल। मैं तो समझ रहा था बहुत मसाइल लेके खड़े हो गए तुम लोग। सर अगर प्राइवेट यूज़ हो और बेनिफिट निकाल रहे हो और स्केल गिवन नहीं हो तो जो भी फ्यूल की टोटल अमाउंट होगी वही इनपुट में चली जाएगी, इनपुट टैक्स में। अगर स्केल चार्ज का चक्कर आएगा ना तो स्केल चार्ज लाजमी देगा, ऐसा हो नहीं सकता कि स्केल चार्ज ना दे। स्केल चार्ज नहीं दे। सर, अगर प्राइवेट यूज़ हो और परसेंटेज गिवन हो अपोर्शनमेंट की, लेकिन स्केल चार्ज गिवन नहीं हो तो आप पोर्शन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और बोले। तो वैसे तो अपॉर्शनमेंट होगी ना, तुम किसकी बात कर रहे हो? वीएटी की बात कर रहे हो ना? स्केल चार्ज की। वीएटी की बात कर रहे हो, स्केल चार्ज की बात कर रहे हो? किस टॉपिक की बात कर रहे हो? वीएटी की टॉपिक की बात कर रहे हो ना? स्केल चार्ज, स्केल चार्ज, स्केल स्केल चार्ज चार्ज सर, किसमें आता है? सब वीएटी में आ जाएगा ना सारी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ स्केल चार्ज तो वीएटी के अंदर आता है ना, और वीएटी में आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन की, ठीक है? और वो बात हो रही है प्राइवेट यूज ऑफ द कार। बिल्कुल। अगर प्राइवेट यूज ऑफ द कार होती है तो दो चांसेस होते हैं, ड्राइवर ने रीइंबर्स कर दिया फुल कॉस्ट या उसने बिल्कुल भी कुछ रीइंबर्स नहीं किया। दो सिनेरियो बनते हैं ना। अगर उसने फुल रीइंबर्समेंट की है तो हम आउटपुट वीएटी कैलकुलेट करते हैं, और अगर उसने कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं की तो हम आउटपुट वीएटी स्केल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। पार्सल का केस नहीं आता हमारे सिलेबस में, सही सही सही, बस यही पूछना था। सही है? अच्छा, जो भी स्केल चार्ज दिया जाएगा ना, ये बात जहन में रखें कि जो भी स्केल चार्ज दिया जाएगा उस स्केल चार्ज पर आउटपुट जो भी निकालेंगे वो हमेशा कैसे निकालेंगे? चार्ज इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये इसका आउटपुट वीएटी आ जाएगा। स्केल चार्ज एग्जाम में गिवन होगा। और अगर रीइंबर्समेंट कर दिया उसने और स्केल चार्ज भी दिए हुए तो फिर स्केल चार्ज को इग्नोर कर देंगे। फिर किस पे लगेगा? अगर फुल रीइंबर्समेंट है तो आउटपुट वीएटी किस पे लगेगा? रीइंबर्स्ड अमाउंट पे लगेगा। पार्शल का केस नहीं आता। और बोले। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया पेपर में आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर कौन कौन से एरियाज में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डेट के बारे में केयरफुल रहें, डेट मिलती जुलती है तो एक एक दो दो नंबर का गेम है सारा। तो आज बैठ कर सारी डेट्स को रिवाइज कर लें ताकि आपको ये पता हो कि जी इंडिविजुअल टैक्स कब देता है, रिटर्न कब फाइल करता है, और पेनल्टीज सारी देख लें एक तरफ, क्योंकि पेनल्टीज और इंटरेस्ट के ऊपर सवाल लाइकली है। अच्छा, कंपनी के अंदर जो है वो लार्ज कंपनी और स्मॉल कंपनी का वो थ्रेशोल्ड देख लें, और इसी तरह वैट के अंदर जो है ना क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, और अगर एनुअल रिटर्न फाइल होता है तो उसकी पेमेंट कैसे निकालते हैं, इस पे थोड़ा सा बैठ के काम करें क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर ये चीज़ें आ सकती हैं। सर पेनल्टी में जो फिक्स पेनल्टी होती है वो हर प्रोसीडिंग पीरियड के साथ 500 का इंक्रीज होता है। फर्स्ट तो 100 होती है, उसके बाद हाँ बिल्कुल। और ये इट ऑल्सो डिपेंड्स किस पेनल्टी की बात हो रही है, इंडिविजुअल की पेनल्टी की बात हो रही है, कॉरपोरेशन की बात हो रही है, वीएटी की बात हो रही है। स्टैंडर्ड पेनल्टी का रूल तो अपनी जगह सिमिलर है।
हमने स्टैंडर्ड पेनल्टी का रूल पढ़ा था उसके हिसाब से तो पेनल्टी जो होती है वो लेट पेमेंट की पेनल्टी का रूल परसेंटेज वाला है, और जो नॉर्मल पेनल्टी है जिसको हम कहते हैं लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, वो इंडिविजुअल की अलग है और कॉरपोरेशन की डिफरेंट होती है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसकी पेनल्टी की बात हो रही है।